व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है, व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है, मुल्क के खातिर मुझको ऐसा काम करना है, व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम हैं यहाँ टट्टा पे और मेरे साथ मौजूद है एक मेरा दोस्त जुनैद और एक है मेरा कज़न अहमर। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से करली और बहुत सारा फन करेंगे, साथ जुड़े रहें, देखें और बहुत मज़े करेंगे। और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने से पहले, ठीक है भाई? ठीक है, सनसेट चेक करें कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं केंजर झील, तो ये देख सकते हैं आप कितना कोई बेहतरीन नज़ारा है यहाँ से। ये देखें, ये केंजर झील है और ये बहुत कोई बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पे। और ये सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं यहाँ पे, बहुत बेहतरीन नज़ारा है। और ये बंदे को देखें आप, और ये बहुत कोई खूबसूरत जगह है यार, सकून वाला जगह है। आए विजिट करें और एंजॉय करें फैमिली के साथ। तो ये देख सकते हैं, ये सन ब्लॉक लगवा दिए हैं मेरे दोस्तों ने मुझे, और ये इसलिए लगवाया है कि यहाँ पे बंदे थे ना तुम्हारा काम गाना बोले काले हो जाओगे, काला तो मैं वैसे ही हूँ। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, बहुत और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी आई हुई हैं यहाँ पे। और ये बैठने के लिए इधर पे ये बनाया हुआ है, यहाँ पे बंदा आए और चिल करे, बहुत मज़ा आएगा। ये पीछे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये भाई ने मुझे ला कर दिया है ये क्या है भाई, सन ब्लॉक लगा के दिया है। ये कौन आ गया? वैसे भी हमारे कलर में मैंने बहुत सारा इससे लिया और बुरा लगा लिया। वैसे भी हमारे कलर में कोई खास फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, पर फिर भी जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। मैं गोरा हूँ ना ऑलरेडी, इसी वजह से ज्यादा लग रहा है मेरे पे, लगाया इनसे कमी है मैंने। ये देखिए पूरे गर्दन वर्दन तब में भरी है। ये अब आ गए हम पानी के साइड पे और यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्यूब है, ये ट्यूब लेकर वहाँ नहा सकते हैं। और ये बोर्डिंग सिस्टम भी है यहाँ पे, तो बीच में यहाँ पे नूरी जाम तमाची का मज़ार है, वहाँ पे भी बंदा जा सकता है ये बोट करके। और ये देखें आप, ये सारे काले काले जो हैं ये हमारे साथ ही हैं। ये तस्वीर खिंचा रहा है, देखें कैसे जाऊँ भाई। अब तो 2 साल हो गया, आप चले जाओ। 2 साल ही हुआ है। ये इस ईद में नहीं लिया, पिछले ईद में लिया। ये बहुत बहुत कोई बेहतरीन नज़ारा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे सारी फैमिलीज नहा रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, वीकेंड एंजॉय करने के लिए फैमिली सब इधर आती हैं। और बहुत कोई बेहतरीन नज़ारा है, ये देख सकते हैं आप, साइड में पूरी फैमिलीज रहती हैं। ये यहाँ पर हर्ड के जगह कनात लगा के सिस्टम बैठाया हुआ है इन्होंने, ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोट सारी खड़ी हुई है और ये है करली का मंजर, उस साइड पे पूरी पब्लिक नहा रही है और हम जा रहे हैं उस साइड पे बैठे बिल्कुल पानी के ऊपर। तो चले आए आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ बैठेंगे और क्या कितना मज़ा आता है उस जगह पे बैठ के। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे और ये देखें कैसा लग रहा है ये जगह, बैठेंगे सामने टैंक नुमा एक जगह बना हुआ है, हम यहाँ बैठेंगे। और मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है इसलिए क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप वो
काफ़ी। और ये देखें यहाँ पे बैठ के जो है ना फील गुड, जब ये पानी जब पत्थर से लग रहा होता है ना तो मज़ा आता है देख के। है तो कचरा लेकिन ये जब लग रहा होता है बहुत मज़ा आता है। पे बीच के साथ और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी सारी बोर्ड्स हैं, इधर बोर्ड्स हैं, कितनी सारी बोर्ड्स हैं। सारी आवाम यहाँ पर नहा रही है और ये सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं। ज़्यादातर गाड़ी यहाँ से कराची से आती है और हम यहाँ पर बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बोर्डिंग भी कर सकते हैं आप, ये देखें। और वो पानी के बीच में है नूरी जाम तमाची का मज़ा है, ये देखें। ये देखिए हमारे पीछे बैकग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ये घास जो बकरीद में गाय खाती है ना, बकरीद में क्या वैसे भी गाय खाती है, ये उसका पौधा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीट पे हम चल रहे हैं। ये पीछे है पिकनिक पॉइंट और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे और संडे को तो बहुत रश होता है। गेंजर झील हम आए थे लेकिन हमने आपको तवाची का मजार घुमाने की बड़ी बंद है वो, क्योंकि पानी थोड़ा चढ़ा हुआ है, वरना हम आपको वहाँ भी ज़रूर लेकर जाते हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हम एक घंटे में। बिल्कुल, मैं सोचा हुआ था कि नूरी जाम तमाची जाऊँगा और नूरी जाम तमाची जाने के लिए हमें यहाँ से बोटिंग करके जाना पड़ता है। समुंदर के बीच में है नूरी जाम तमाची का मजार, फिर उसके बाद एक और एक आइलैंड है, वो बहुत खूबसूरत आइलैंड है, वहाँ पे जाकर बहुत मज़ा आता है। मैं तो तीन चार बार गया हूँ। अगर आप नूरी जाम तमाची की भी पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर नहीं पता है तो भी बताएं ताकि हम आपको बताएंगे। और नूरी जाम तमाची का, नूरी का और जाम तमाची का, ये दोनों का स्टोरी जिनेद भाई को बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पर आए आप, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, संडे के अलावा फैमिली लेकर आए, फैमिली पॉइंट नहीं है संडे को, इतना रश है। अगर आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं तो एज यू नो वेरी वेल कि संडे जो है सारे जो बॉयज़ हैं वो पिकनिक पॉइंट पे निकल ही रहे होते हैं। अब तो बाइक से भी काफ़ी लड़के आ जा रहे हैं, कोई इशू नहीं हो रहा। पहले इशू था, रोड ख़राब थी, अब मोटर पे बहुत खूबसूरत सा बन गया। हमारे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त बैठ कर इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, और यहाँ पर कोई डांसर्स नहीं है। तो ये है हमारे दोस्त, ये हमारे कुछ लड़के आए हैं, पता नहीं हमारे साइड से तो नहीं आए, लेकिन ये टिकटॉक बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना टिकटॉक का क्रेज चल रहा है यहाँ पे, ये स्पीकर पड़ा हुआ है, ये वीडियो बना रहे हैं और ये टिकटॉक बना रहे हैं, और इधर में फुल एंजॉय कर रहे हैं ये। टिकटॉक कंप्लीट हो गया।
मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम सलाम। कितना मज़ा आ रहा है, क्या है? बहुत मज़ा आ रहा है, और क्या बताएं आपको, बस कल से जॉब पे जाना है। फुल बिहारी बाबू बने भैया, क्या करें क्या करें भैया, हमसे होता ही नहीं। कहूँगा कि आप लोग कर ली वगैरह ना आए तो बेहतर है, और आए तो मान जाएगा नगमा नहीं लगा, इधर पानी बहुत चढ़ा हुआ है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड। मेरे साथ जुनेद भाई हैं, ये करेंगे मेरे साथ एंड ब्लॉग आज, ठीक है? तो दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया और आपको बहुत ज़्यादा हमारी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और